गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब 2 करोड़ से कम शुल्क राशि संग्रहण वाले टोल प्लाजा पर महिला स्व सहायता समूह शुल्क राशि वसूल करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष और सरपंच के मानदेय और वाहन भत्ता बनाने को कैबिनेट की स्वीकृति, 8 नवीन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति, 3 महाविद्यालयों में स्नानकोत्तर के संकाय प्रारंभ करने को स्वीकृति, 489 नवीन पद सृजन की भी स्वीकृति। हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, अब जिला पंचायत के अध्यक्ष का मानदेय 1 लाख रुपया मासिक होगा। महान भत्ता और मानदेय मिला के महान भत्ता और वो उपाध्यक्ष का 42,000 होगा। जिला पंचायत के, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का 19,500 रुपया मासिक वेतन होगा, ऊपर भी जिला पंचायत का मासिक होगा, और उपाध्यक्ष का 13,500 जनपद के उपाध्यक्ष का मासिक होगा, जबकि पंच और उपसरपंच का वार्षिक मानदेय 1,800 रुपये किया जा रहा है। एक कैबिनेट के अन्य निर्णय में, जो हमारे रोजगार सहायक हैं मध्य प्रदेश के, जिनकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसे 9,000 से बढ़ाकर 18,000 किए जाने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। इसमें 274.95 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा। आज तय के निर्णय में आज मध्य प्रदेश के अंदर नवीन महाविद्यालय खालवा खंडवा के अंदर खोलने का, फंदा भोपाल में खोलने का, बाणसागर शहडोल में खोलने का, बड़ौदा श्योपुर में, मंडवा सीधी में, बेटमा इंदौर में, हनमना रीवा में, कोठी सतना में और हट्टा बालाघाट में खोलने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसी तरह से कई जगह पर संकाय भी खोले गए हैं, जैसे छतरपुर बिजावर में कला का, चुरट सीधी में कला का, रामपुर नेकिन सीधी में हिंदी समाजशास्त्र, ऐसे अलग अलग विषयों के संकाय खोले गए हैं।